अवकुलन के भाग दो आप लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए अगर वीडियो वन अगर नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा और पार्ट टू में देखिए वाई बराबर साइन यक्स घाते दो। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है वाई बराबर साइन यक्स घाते दो, एक अवकलन करेगा है, इसका अवकलन कैसे करेंगे हम देखिए। क्या इसकी सकल जो है जो हमने सूत्र लिखा है इससे मिल रहा है, यहाँ लिखा है y बराबर साइन एक्स घाते दो, यहाँ लिखा हुआ है y बराबर साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स के अवकलन क्या होता है कास एक्स होता है, लेकिन यहाँ साइन देखिए यहाँ साइन है साइन यहाँ है, लेकिन यहाँ एक्स घाते दो है यहाँ एक्स है। तो कहने का मतलब बच्चे कहते हैं कि गुरु जी हम ये नहीं जान पाते हैं कि मान कैसे माना जाए, मतलब कैसे हम जाने कि यही मान माना जाए कि हम x यानी t बराबर x घाते दुई मानी कि मतलब कि या t बराबर हम साइन x घाते दुई मानी या साइन मतलब t बराबर साइन x माने। तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो हमारे बच्चे अब पार्ट टू में अगर शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। देखिए यानी कहने का मतलब हम मान क्या मानते हैं, जो सूत्र से हमारा भिन्न रहता है वही मान मानते हैं। जैसे अब यहाँ हम मान क्या मानेंगे, देखिए यहाँ साइन है और सूत्र में हमारा साइन मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक्स घाते दुई है यहाँ एक्स है, इसका मतलब कि वह सूत्र में केवल यही एक्स घाते दुई नहीं मिल रहा है। तो हम क्या मानेंगे, लिखेंगे माना माना यानी कि टी बराबर एक्स घाते दुई, मतलब कि जैसे यहाँ एक्स घाते यहाँ एक्स है यहाँ एक्स घाते दुई है, तो जो सूत्र से हमारा भिन्न है उसी को हम टी का मान मान लेंगे हम टी बराबर। अब जब टी बराबर एक्स घाते दुई है तो यानी कि फिर लिखिए उसको तो वाई बराबर साइन, अब देखा अब एक्स घाते दुई लिखा है, अब चूंकि हम माने टी बराबर एक्स घाते दुई तो एक है मतलब जहां एक्स घाते दुई लिखा हुआ इसकी जगह पर हम लिख देंगे टी, जहां एक्स घाते दुई लिखा हुआ यहां टी लिख देंगे, इतना आएगा। अब देखिए जब एनी मान रखने के बाद हम एनी देखिए इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं और ये मतलब ये अब इसका और इसका ये इसी दो का अवकलन हमें करना है। तो सुनिए तो अब यानी कि वाई बराबर साइन टी तो बराबर की यह कहती का वह है टी है, अगर यह बराबर की कहती टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन करा, अगर बराबर की कहती यक्ष है तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, अगर बराबर की यह कहती अगर जेड है तो जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे बच्चों को यह दिक्कत होती हो कैसे हम जानेंगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, कैसे जानेंगे जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, कैसे जानेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सुन लीजिए अगर बराबर की यह कहती अगर टी रहे तो हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर बराबर यह कहती यक्ष रहे तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर बराबर यह कहती जेड रहे तो जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका मतलब समझ में आएगा। अब देखिए बराबर की इधर क्या है टी है तो यहां लिखेंगे सुंदर राइटिंग में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब इसको हमें टी के सापेक्ष अवकलन करेगा है, अब यह वाई है बराबर इधर वाई है तो डी वाई लिख दीजिए, अब वाई के अवकलन हमका टी के सापेक्ष करेगा है तो डी की नीचे लिखेंगे बराबर। देखिए इधर यानी कि वीडियो वन में हम क्या बताए हैं, जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते थे तो यहां डी अपॉन डी एक्स लिखते थे, लेकिन यहां पर हम अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष तो यहां लिखेंगे डी अपॉन डी टी लिखेंगे, यही इतना करना है बस केवल। अगर यहां टी है तो यहां डी अपॉन डी टी लिखेंगे, अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं
तो हम फिर डी अपान डी एक्स लिखेंगे। तो यहां टी है तो डी अपान डी टी, अब आगे उतार देंगे साइन टी साइन टी, तो ये डी वाई अपान डी टी बराबर, तो देखा अब साइन टी, क्योंकि साइन एक्स के अवकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन हुआ साइन टी है तो जहां एक्स लिखा हुआ हुआ टी हो जाए, तो यानी साइन टी अगर रहे तो कॉस टी हो जाए, अगर यानी साइन जेड रहे तो कॉस जेड हो जाए, तो इसलिए यानी साइन टी का अवकलन का हो जाए यानी कॉस टी हो जाए, कॉस टी हो गया। अब ये हो जाए डी वाई अपान डी टी बराबर कॉस टी, अब टी का मान रख देंगे। अब देखिए टी बराबर का लिखे एक्स घाते दो लिख पाने यहां, तो एक है मतलब जहां टी लिखा हुआ इसकी जगह पर हम एक्स घाते दो लिख देंगे, अब टी की जगह पर एक्स घाते दो लिख देंगे। तो ऐसे सवाल में दो बार अवकलन करना है याद रख लीजिएगा, पहली बार तो जब जिसमें हम मान रखेंगे उसका अवकलन करेंगे, अब फिर जो मान माने हो, अब यानी किसका अवकलन करेंगे जिसका हम मान माने हैं, क्या माने हैं टी बराबर एक्स घाते दो, पहले तो हम वाई बराबर जो लिखे हैं उसका अवकलन करेंगे, फिर जो हम मान माने हैं अब उसका अवकलन करेंगे, तो टी बराबर एक्स घाते दो है। अब देखा बराबर के गति का वह है यक्ष है तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर बराबर की यह गति अगर जेड है तो जेड के बराबर हम जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप देखिए तो क्या लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, ये लिखेंगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अब टी के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो ये बराबर की इधर टी है तो क्या हो जाए डी टी हो जाए, अब बटे अब किसके सापेक्ष अवकलन करना है यक्ष के सापेक्ष, तो डी एक्स नीचे हो जाए, जिसके सापेक्ष करना है उसी में उसी के बगल हम डी लिख देते हैं, तो डी एक्स तो बटे डी एक्स बराबर। अब देखिए हमें करना है यक्ष के सापेक्ष, तो यहां हो जाए डी अपान डी एक्स यक्ष घाते दो, अब क्या हो जाएंगे ये हो जाए यानी कि डी टी अपान डी एक्स बराबर, अब यक्ष घाते दो जैसा कि हम बताए ही यक्ष घाते दो वीडियो वन में हम बताए हैं यक्ष घाते दो के अवकलन का हो जाए, तो यक्ष घाते दो है तो ये हो जाए दो यक्ष घाते एक, यानी कहने का मतलब जितनी घात है पहले हो जाए दो पहले हो जाए और यक्ष घाते दो है तो यक्ष घाते एक हो जाए, क्योंकि एक घात लिखी नहीं जा तो डी टी अपान डी एक्स बराबर दो एक्स, हमेशा याद है डी अगर अवकलन करे का है तो एक मतलब हमका डी वाई अपान डी एक्स निकालने का है, तो अब मान माने नहीं मान माने रहे एक अवकलन के एक अवकलन के है, अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे लिखेंगे इसलिए डी वाई अपान डी एक्स बराबर, तो डी वाई अपान डी एक्स का सूत्र हेर के नहीं लावे का है, कितनी बार अवकलन किए हो दो बार, एक तो अवकलन किए हो डी वाई अपान डी टी आवा है, एक तो देखिए ये है अवकलन करने पर एक ये आया है और दूसरा अवकलन करने पर ये आया है, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाए डी वाई अपान डी टी डी वाई अपान डी टी आई टू, और दूसरा अवकलन ये है डी टी अपान डी एक्स यही है, तो डी वाई अपान डी एक्स जब अवकलन कैले हैं तो लास्ट में लिखा जाए डी वाई अपान डी एक्स बराबर, पहला अवकलन किए डी वाई अपान डी टी आई टू, दूसरा अवकलन किए डी टी अपान डी एक्स, अब इसी में हमने मान रख देना है, ई हो जाए डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी, तो डी वाई अपान डी टी है कितना कॉस एक्स घाते दो फिर इंटू डी टी अपान डी एक्स, तो डी टी अपान डी एक्स कितना है दो एक्स है, तो अभी हो जाए कितना डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये दो एक्स पहले हो जाए दो एक्स इंटू कॉस एक्स घाते दो बाद में हो जाए, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये सवाल समझ नहीं आई है तो हम अगला इसी नियम पे हम सवाल समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर दो देखिए दूसरी सवाल है उसी टाइप के,
यानी y बराबर tan x घाते 3। भाई देखिए खूब कायदे से विधिवत वीडियो देखिए, एक एक सवाल बिल्कुल कायदे से देखिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए, और जहां कहीं दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आता है तो, और उसको शेयर करिएगा। तो देखिए इधर, जैसे वाई बराबर टेन एक्स घाते 3 है, जैसे हमने कहा कि बच्चों को ये नहीं मालूम होता कैसे हम जाने कि यह मान माना जाए, तो अब देखिए इसमें जो है इस सूत्र में देखिए, यानी वाई बराबर टेन एक्स, यही इसी सूत्र से मिल रहा है, देखिए यही तो सूत्र है, लेकिन यह टेन है, टेन मिला, एक्स घाते 3 है, मन एक्स है, कहने का मतलब जो सूत्र से नहीं मिल रहा है, जो अंतर है, जैसे यहां सूत्र में देखिए tan x लिखा है और यहां tan x घाते 3 लिखा है, यही हमारा x जो है इसमें भिन्न है, यही इसमें जो है ये अंतर आ रहा है इसमें से, तो जो अंतर आ रहा है वही हम मान मान लेंगे। तो कहने का मतलब सुंदर राइटिंग लिखेंगे हम, माना कामा यानी t बराबर x घाते 3, जो यही हमारा x घाते 3 है इसी को हम t मान लेंगे, t बराबर x घाते 3 मान लिए, अब इसी का मान उठा के रख देंगे इसमें, फिर उसे में y लिखा, बराबर है बराबर लिखा, tan है tan लिखा, अब फिर ये x घाते 3 है, और चूंकि हम x घाते 3 हम t माने ही, तो एक मतलब जहां x घाते 3 है यहां t लिख देंगे, तो एक मतलब क्या हो जाए y बराबर tan t, जैसे तो वही देखा इनी वाई में मान रखे के बाद हम यही के अवकलन के एक को अवकलन कर एक है जो हम मान माने ही एक एक है अवकलन हुए एक एक है अवकलन हुए यह दुई अवकलन होगा। तो पहले हम जो मान माने ही देखा, अब इसको मतलब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, अब देखा बराबर के गति का है टी है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे या मतलब भूलिएगा नहीं, अगर बराबर के गति अगर यक्ष होता है यक्ष तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, अगर बराबर के गति जेड होता है तो जेड के सापेक्ष अवकलन करें, तब तो समझ में आएगी हमें कि बराबर के गति जो रहे वही के सापेक्ष अवकलन की जाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, सवाल कठिन नहीं होती है, बसरते ध्यान से देखिए बस केवल सवाल को देखिए। तो अब यहां सुंदर राइटिंग लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब जब हम y का t के सापेक्ष अवकलन करब तो y का अवकलन करते ही तो dy हो जाए, और t के सापेक्ष अवकलन करते ही तो बटे में dt हो जाए बराबर, अब देखा यह dt है तो ऊपर d अपान जो नीचे रहे वह लिखा जाए, अगर dx हो तो d अपान dx लिखे, अब नीचे यह dt है तो d अपान dt लिख के अजोने का अवकलन करेगा है tan t, इसको इस उतार लेंगे हम, अब हो जाए dy अपान dt बराबर tan t, जैसे यहां लिखा हुआ tan x लिखा है तो tan x का अवकलन होते sec स्क्वायर x होते है, अगर माने ये t लिखा है तो ये t हो जाए, अगर ये z लिखा है तो z हो जाए, इतने करना है केवल, तो यहां लिखा है tan t लिखा रहे हैं तो sec स्क्वायर t हो जाए, तो एक है मतलब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि tan t का अवकलन का होता है, तो tan t का अवकलन हम बताएंगे sec स्क्वायर t होता है, sec स्क्वायर t आएगा, अब इसका मान मानेंगे मान रखेंगे, देखिए कैसे dy अपॉन dt बराबर sec स्क्वायर t, अब t की जगह पे हम क्या लिखेंगे x घाते 3 लिखेंगे, जब हमारा अवकलन हो जाए तो फिर हम t का मान रख दे, तो t की जगह हम रख दे y x घाते 3 हो गया, तो हम बताए पहले तो y का y बराबर जो लिखे है वह अवकलन होए, अब देखिए अब फिर लिखेंगे हम जो मान माने हैं, जो मान माने हो इसी को फिर से उतार लीजिए t बराबर x घाते 3, जैसा कि हम पहली सवाल इसमें का हम बताए हैं उसी तरह से ये भी है, यानी पहले तो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, फिर उसके बाद जो हम मान माने हैं उसको पहले उतार लेंगे, अब इसका चलते हैं अवकलन करें, अब देखिए बराबर के गति का लिखा हुआ x लिखा है, तो बराबर के गति जो लिखा रहे
उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो बराबर किधर x लिखा है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। करने पर अब यानी टी क्या है, टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेगा है, तो यहां टी है तो डी टी हो जाए, अब अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेगा तो यहां डी एक्स हो जाए बराबर। अब डी अपान जो नीचे रहे तो यहां देखा यहां डी टी रहा तो यहां डी टी लिखे, और यहां डी एक्स आए तो डी अपान डी एक्स हो जाए। अब यह जो नेगा अवकलन करेगा है वही आगे लिख दे, तो डी अपान डी एक्स एक्स घाते तीन, अब क्या हो जाए अब हो जाए डी टी अपान डी एक्स बराबर। अब एक्स घाते तीन, एक्स घाते तीन के अवकलन का हो गए, यानी जो जितनी घात लिखी रहे पहले लिख दिया एक जय घात लिखी रहे, तीन घात लिखी रहे, तीन चार घात लिखी रहे, चार जितनी घात लिखी रहे वह लिख के फिर एक्स घाते जितनी घात लिखी रहे फिर उससे एक घात कम करके लिख दे एक्स घाते दुई, यानी कि एक्स घाते तीन के अवकलन हुए तीन एक्स घाते दुई। अगर मान लीजिए जैसे कह दी जाए कि एक्स घाते आठ के अवकलन का हो गए आठ एक्स घाते सात, एक घात कम हो गए। अब हम जो पूछे कि एक्स घाते आठ के अवकलन का हो गए तो आठ एक्स घाते सात, ये तरह से देखिए अब यानी कि हमारे डी टी अपान ना ही जब हमारे यानी हम जब दुई अवकलन कर ले तो लास्ट में हम बताए ही लिखा चूं कि मतलब इसलिए डी वाई अपान डी एक्स बराबर, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर का हो ये देखा, एक तो हमारे अवकलन के पे आई आवा है देखा, और दूसरा अवकलन हमारे आई आवा है, पहले तो देख ले पहला अवकलन के पे नहीं कितना आवा है, दूसरा अवकलन के पे कितना आवा है, तो पहला अवकलन जो है डी वाई अपान डी टी है, तो यही क्या आगे लिख दे डी वाई अपान डी टी लिख दिया इंटू, और दूसरा अवकलन हमारा के डी टी अपान डी एक्स, तो ये लिख दे डी टी अपान डी एक्स, सूत्र नहीं याद करेगा यही में है, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर का हो गया डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब ये बराबर तो हमका निकालेगा डी वाई अपान डी एक्स मान निकालेगा है अवकलन करेगा है, तो डी वाई अपान डी टी, तो डी वाई अपान डी टी निकाले हैं कितना सेक स्क्वायर एक्स घाते तीन, ये तो है एक है मान इंटू डी टी अपान डी एक्स, और डी टी अपान डी एक्स कितना निकाले ही तीन एक्स घाते दो, तभी हो जाए डी वाई अपान डी एक्स बराबर। अब ये पहले हो जाए तीन एक्स घाते दो इंटू, अब ई जो है एक बाद लिख दे से घाते दो एक्स घाते तीन, ये है ये हमारा आंसर है, यानी कि अगर हमें y बराबर tan x घाते तीन के अवकलन करेगा तो कैसे करेंगे। अब सवाल नंबर तीन, तीसरी सवाल देखिए जिसे लिखा है y बराबर साइन और ब्रेकेट के अंदर लिखा है x घाते दो प्लस पांच लिखा है, अब इसी का हमें करना है अवकलन। भाई खूब कायदे से देखिए सवाल समझ में आए, और हम पूरा हम प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों को हमारे द्वारा बताए गए सवाल आ जाए, इतना हम प्रयास करेंगे। देखिए तो हमने कहा कैसे मानेंगे, देखिए वाई है वाई मिलता है बराबर मिलता है साइन मिलता है, लेकिन यही हमारा नहीं मिल रहा है, जो इससे हमारा मिलान नहीं कर रहा है, जो हमारा इससे न मिलान करे जो चीज वही का हम टी के मान मान ले टी बराबर इतना, तो जैसे हम देख रहे हैं वाई वाई मिल रहा है बराबर बराबर मिल रहा है साइन साइन मिल रहा है, यहाँ एक्स लिखा है यहाँ लिखा है एक्स घाते दो प्लस पांच, इसका मतलब ये ही हमारा उस सूत्र से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसी को हम मान मान लेंगे, माना यानी टी बराबर एक्स घाते दो प्लस पांच इसी को हम मान मान लेंगे हम। अब चलिए यानी कि अब लिखेंगे y बराबर साइन x घाते दो प्लस पांच है, इसका मतलब जहां दिखा रहे x घाते दो प्लस पांच, अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम t लिख देंगे, यानी कि y है y लिखे बराबर है बराबर लिखे साइन है साइन लिखे, अब ये पूरे की जगह पर हम लिख देंगे t साइन t हो गया,
अब देखा, अब यहां एक अवकलन करेगा है, अब एक तो अवकलन करेगा है जो मान माने यहां एक ओके अवकलन हुए, अब जोने में एक एक टीक मार रखे यहां एक एक अवकलन हुए, यही दुई का अवकलन करेगा है बस। जोने का मान माने यहां, अब मान माने के बाद वो मनवा जमा रखे यहां ओके अवकलन, तो यही दुई मतलब अवकलन हमें करना है। अब देखिए बराबर किधर के आती है, तो इसका मतलब इसको हम पहले करेंगे टी के सापेक्ष, क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए टी के सापेक्ष अवकलन करेगा, अगर हम वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करें तो वाई का यानी डी वाई अपान टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी, तो एक है मतलब डी वाई अपान डी टी बराबर हो जाए डी अपान डी टी याद लीजिए डी टी हो जाए डी अपान डी टी, और फिर ये उधर ये साइन टी एक है मतलब ये डी वाई अपान डी टी बराबर। अब साइन टी डी अपान डी टी के आगे जो लिख रहे वही क्या अवकलन करेगा है, अब साइन टी के अवकलन का हुए, अब सूत्र में देख लिया अगर कहीं दिक्कत हो। अब देखिए साइन एक्स के अवकलन होते कॉस एक्स, अगर यहां साइन टी है तो यहां ये कॉस टी, तो साइन टी का अवकलन का हो गया कॉस टी हो गया, तो यह मेरे साइन टी के अवकलन यहां लिख दे कॉस टी लिख देंगे। अब इसका मान रख देंगे डी वाई अपान डी टी बराबर कॉस टी, तो कॉस है कॉस लिखा टी, तो टी की जगह पे हम लिख दे कितना लिख दे एक्स घाते दुई प्लस पांच कितना लिख दे टी के मान। अब एक अवकलन तो हमारे एक अवकलन हमारे हो गया, अब दूसरा अवकलन एक अवकलन करेगा है किसका, जो मान माने हो, क्या मान माने हो टी बराबर यक्ष घाते दुई प्लस पांच। अब जो मान माने यहां अब ओके अवकलन कहे के बाद डी वाई अपन डी एक्स निकाल लिया, अब इसी का अवकलन करेंगे, अब बराबर कहते जो है का वो है यक्ष है, तो लिखेंगे हम सुंदर राइटिंग में यक्ष के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, यहां लिखेंगे अवकलन करने पर। अब देखिए इधर अवकलन करने पर, अब टी के अवकलन हम एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो टी का अवकलन करना है तो डी टी लिख दीजिए डी टी बटे क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष करना है तो डी एक्स लिख दीजिए बराबर, यानी कि डी टी अपान डी एक्स बराबर। अब क्या लिखेंगे डी अपान नीचे डी एक्स है तो यहां डी अपान डी एक्स लिखेंगे, अगर नीचे भाई डी टी हो तो डी अपान डी टी लिखे, अगर यहां भाई डी जेड हो तो बराबर डी अपान डी जेड लिखे, यह तरह से। तो यहां डी एक्स है डी एक्स लिखे, अब क्या लिखेंगे, अब एक्स घाते दो लिखेंगे, एक्स घाते दो, दो पद है दो बार हम डी अपान डी एक्स लिखेंगे, एक्स घाते दो प्लस है प्लस लिखा, जैसा कि हम डी डी वन में हम बताए हैं। अब ये गिनती है तो डी अपान डी एक्स पांच, ये भैया तो डी अपान डी एक्स एक्स घाते दो प्लस डी अपान डी एक्स पांच। अभी भैया का डी टी अपान डी एक्स बराबर, अब एक्स घाते दो जो डी अपान डी एक्स के आगे लिखा हुआ वही का अवकलन करेगा है, तो यक्ष घाते दुई का अवकलन हो जाए, जितनी घात लिखी है पहले उसका घात लिख लिया, अब यक्ष घाते दुई है तो यक्ष घाते एक हो जाए, यानी दुई और यक्ष घाते एक, एक घात कम हो जाए और एक घात चूंकि लिखी नहीं जाए, अब प्लस। अब देखा अब यानी कि डी अपान डी एक्स के आगे पांच लिखा हुआ, हम बताएगी अगर डी अपान डी एक्स के आगे जो लिखा रहा है अगर वो हमन यक्ष नहीं ना तो वो का अवकलन जीरो हो, जैसे d अपान डी एक्स लिखा है आगे पांच लिखा है लेकिन अब पांच के आगे x नहीं लिखा है तो उसका अवकलन जीरो होगा। अब देखिए इधर एक है मतलब होगा डी टी अपान डी एक्स बराबर प्लस जीरो माने कुछ नहीं दुई एक्स आई गया, यानी दूसरा का अवकलन कहे पर e आई गया, पहला अवकलन कहे पर e आई गया दूसरा e आई गया। अब तीसरा एक लास्ट स्टेप और रहा है, अब हमें निकालना है डी वाई अपान dx निकालेगा, तो dy अपान dx बराबर का हो जाए,
हो गया डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी इन टू एक हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब देखा ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये कहा हो गया डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना निकाले हा यानी कि कास कास ब्रेकेट के अंदर x घात दुई प्लस पांच ये तो है कि dy अपॉन dt की जगह पर इंटू y इंटू लिखा। अब dt अपॉन dx तो dt अपॉन dx कितना निकाले यहां दुई एक्स निकाले यहां तो यहां दुई एक्स लिख दिया। अब ये लीजिए का dy अपॉन dx बराबर अभी दुई एक्स पहले लिख दिया। अब अगर ऐसा भी लिख देते हो तब भी पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अगर दिमाग में ये हो कि मान लीजिए गुरु जी अगर हम इसको पहले ना लिखें ये इसी को आंसर डाल दें तो पूरा पूरा नंबर मिल रहा है, एक भी नंबर कहीं नहीं कटेगा। देखिए रहा अब इसको पहले लिख दिए फिर कास x घाते दुई प्लस पांच यही हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर तीन है। अब सवाल नंबर चार देखिए सवाल नंबर पांच तो y बराबर से लिखा है ब्रेकेट के अंदर लिखा पर ए एक्स प्लस बी लिखा है। तो जैसे बच्चों को कहीं दिक्कत अगर होती है कि हम कैसे मान माने तो इसमें हम क्लियर कर दिए हैं कि जो पहले देखिए इसमें से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। जो नहीं मिलेगा उसी को हम टी बराबर लिख लेंगे हम मान के। जैसे देखा यह वाई तो देखा यह वाई है बराबर है बराबर है सेका है सेका है। अब यह लिखा है ए एक्स प्लस बी लिखा है यह एक्स लिखा है यही हमारा नहीं मिल रहा है। जब यही नहीं इतना नहीं मिल रहा है इसी को हम लिखेंगे सुंदर राइटिंग में माना कामा टी बराबर ए एक्स प्लस बी इसी को हम मान मानेंगे। अब देखा जब हम मान मान लिए तो अब इसी में उठा के मान मतलब टी का मान उठा करके इससे मतलब जो मान माने हैं इसी में हम रख देंगे। ये वाई बराबर से ए एक्स प्लस बी है और ए एक्स प्लस बी जो ना हम टी माने ही एक मतलब जहां ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ कहीं हम टी लिख देंगे। बताइए भाई कहीं दिक्कत हो जहां मतलब लिखा है ए एक्स प्लस बी लिखा है हम जो कि टी माने ही वहां हम टी लिख देंगे। अब इसका मतलब जो मान माने ही एक है अवकलन हुए और जो ने एक है मान रखे ही वो कई अवकलन हुए यही दुनों के अवकलन हो ही है यही दुनों का अवकलन हो जाए तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेता है। देखा कैसे अब यानी बराबर किधर क्या क्या है टी है। अगर बराबर किधर टी है तो हमेशा जान लीजिए हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y हो जाए dy अब बटे अब t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसमें d लगा करके नीचे लिख देंगे तो dt नीचे लिख देंगे हम तो dy अपॉन dt बराबर अब d ऊपर तो d रह गए बटे नीचे यहां dt आ गए हैं dt हो जाए तो d अपॉन dt अब फिर ये उधर ही आए sec t तो अभी हो जाए dy अपॉन डी टी बराबर सेक टी। अब देखा सेक एक्स मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया कहो सेक एक्स का अवकलन का होता है भाई सूत्र तो याद ही कर डालिए। अगर सूत्र याद है तो सवाल लगाने में हमको और आसान हो जाए। तो अगर यानी कि सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स लेकिन अगर वही सेक टी लिखा होता है तो यही सेक टी इंटू टेन टी हो जाता है यही तो हो जाए। अगर मान लो sec x लिखा है sec t लिखा है तो निकाल लीजिए sec t into tan t हो जाए। अगर यह x है तो यह x x हो जाए यह t है तो यह t t हो जाए यह z है तो यह z z हो जाए। तो देखा इधर अब sec t के अवकलन का हो जाए sec t into tan t यह हो जाए। अब मान रख देंगे dy upon dt बराबर sec t टी के उठाई मान रखते तो टी की जगह कितना लिखा ए एक्स प्लस बी लिखेंगे जहां जहां टी लिखा है और इंटू फिर टेन है टेन लिखा फिर टी लिखा है
फिर टी की जगह पर लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, ए का मतलब ए का अवकलन हमारे हो गया। और अब अवकलन किसका करेंगे, हमने बताया है एक अवकलन ओपन हो जो मान माने हैं, क्या मान माने हो टी बराबर ए एक्स प्लस बी माने हो, अब उसका अवकलन कर लीजिए। अब यहां उतार लीजिए, लिखिए टी बराबर ए एक्स प्लस बी। अब इसका अवकलन करें कैसे करेंगे भाई, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, बिल्कुल सवाल जो है एकदम क्लियर हो जाए, ये नहीं है कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अब बराबर कह रहे थे यक्ष है तो लिखेंगे हम यक्ष के सापेक्ष, क्या करने पर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखा जब हम टी के अवकलन यक्ष के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाए डी टी अपान डी एक्स हो जाए, ये तो हो जाए बराबर। अब देखा यक्ष के अलावा जो रहेगा वो डी डी अपान डी एक्स पहले लिखा जाए, ए जो ना है ई पहले हो जाए, फिर डी अपान डी एक्स, फिर यक्ष जो है डी एक्स के आगे हो जाए, डी अपान डी एक्स के आगे हो जाए और प्लस, अब चूंकि इसमें यक्ष है नहीं तो इसको हम डी अपान डी एक्स के आगे हम लिख देंगे बी। ये है अगर जैसे यक्ष के अलावा कोई चीज है तो जो यक्ष के अलावा गिनती हो या यक्ष के अलावा और कुछ है तो उसको हम पहले लिखेंगे और डी अपान डी एक्स लिख के फिर उसको लिखेंगे हम प्लस, चूंकि यहाँ यक्ष इसमें नहीं है इसलिए हम इसको डी अपान डी एक्स के आगे लिखेंगे हम। अब आगे देखिए क्या होगा, अब मुझे डी टी अपान डी एक्स बराबर, अब ए यहां ये लिखा इंटू, हमेशा याद रखे रहिएगा यक्ष का अवकलन एक होता है, अगर यक्ष के ऊपर कोई घात नहीं लगी है, कोनो घात नहीं लगी है तो समझ लेना कि यक्ष का अवकलन एक होता है, तो यक्ष का अवकलन एक हो गया और प्लस। अब देखा डी अपान डी एक्स लिखा है फिर बी लिखा है, हम बताए ही अगर डी अपान डी एक्स के आगे पहले देखा का लिखा बा, ई देखा का वो हमन यक्ष है, अगर नहीं ना तो उसका अवकलन जीरो हो गए, तो ई हो जे डी टी अपान डी एक्स बराबर ए करना ए प्लस जीरो माने कुछ नहीं, तो एक मतलब डी टी अपान डी एक्स कितना आएगा ए आएगा। अब हमका मान किसका निकालना है, अब मान निकालेगा है डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालेगा, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर का हो जाए जो पहला अवकलन के है, तो पहला अवकलन के है डी वाई अपान डी टी, तो ये लिखते डी वाई अपान डी टी, फिर इंटू, अब इंटू के आगे का हो जो दूसरा अवकलन के है, दूसरा अवकलन क्या किया हो डी टी अपान डी एक्स किया हो, अब इसे मान रख देंगे, अब हो जाए डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी, तो डी वाई अपान डी टी कितना आया है डी वाई अपान डी टी आया है, यानी कि देखिए इसको तरीके और नीचे लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, या ही जाए ये हो जाए डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये है सेट ए एक्स प्लस बी आई इंटू, फिर लिखा है टेन ब्रेकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी, और फिर ये तो ये डी वाई अपान डी टी की जगह पर इंटू आई इंटू लिखा, फिर डी टी अपान डी एक्स लिखा है तो डी टी अपान डी एक्स कितना आवा है ए आवा है, ये लिख दिया। अब ए लाइन और लिख दीजिए चाहे तो डी डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई ए पहले लिख दीजिए ए इंटू फिर से ए एक्स प्लस बी आई इंटू टेन और फिर ए एक्स प्लस बी, यही हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब भाग दो में हम पांच सवाल बता दिए हैं, तो वीडियो वन और वीडियो दो मतलब देख लीजिएगा, अवकलन में कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप लोग वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और इसको लाइक कर, अगर पसंद आता है लाइक करिए, इसको शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद जय भारत।